कुछ सपने रुकने के लिए नहीं, सिर्फ बढ़ने के लिए होते हैं। टाटा एस ने हजारों ऐसे सपनों को दिशा दी है। आज भारत में 23 लाख सफल कहानियों में सपनों को पंख देने का काम टाटा एस कर रहा है। बदलती दुनिया का चैंपियन, बढ़ती उम्मीदों का कॉन्करर, परफॉर्मेंस, कंफर्ट और वातावरण की सुरक्षा में भी नंबर वन, इंडिया का अव्वल स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, हर एमिशन नॉर्म की कसौटी पर खरा उतरने वाला टाटा एस, कामयाबी की पहचान हमेशा नंबर वन। लाखों लोगों की सफलता की कहानियों से जुड़ा है ये टाटा एस। कुछ ऐसी ही कहानियों की तलाश में हम आज निकले हैं। आइए जानते हैं कि क्या खास बात है भारत के इस नंबर वन कमर्शियल व्हीकल में। कुल 23 लाख कहानियों में से एक कहानी जानने के लिए आज हम पहुंच गए हैं लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में प्रदीप पाठक जी से मिलने। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सर, बढ़िया है। सर, आपसे कुछ आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। ओके सर, ठीक है, आइए। चलिए, धन्यवाद प्रदीप जी। आपकी कहानी बहुत जिंदा दिल है, तो हमें ये बताइए टाटा एस के साथ जुड़ने के आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? साहब, इससे पहले हमारी चाय का काम था और दूध का भी काम था, तो दूध के काम में मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही। पहली गाड़ी मैंने टाटा एस लिया और धीरे धीरे अब कई गाड़ियाँ हो गई। तो अभी कुल मिलाकर आपके पास कितनी गाड़ी हैं? 4 गाड़ी। अच्छा प्रदीप जी, आपने अपने इस सफ़र के लिए टाटा को ही क्यों चुना? साहब, टाटा में सबसे बड़ी बात यह है कि माइलेज अच्छा है और टाटा का नाम बच्चेपन से सुनते आए हैं और मजबूती अच्छी है, भरोसेमंद गाड़ी है। दूसरी बात इसमें एक बहुत बढ़िया है कि कितना भी सामान लाद दीजिए, वो कैसे लेके जाइए, किसी गली ऊँचे में हर जगह पहुंच जाएगी, चाहे छोटी रास्ता हो चाहे बड़ी रास्ता हो, आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए मैं लेके जाता हूँ। प्रदीप जी, जब आपने अपनी पहली गाड़ी टाटा एस खरीदी तो आपके मन में क्या भाव था? साहब, मैं गाड़ी खरीद के लाया तो मैं ये सोच के नहीं लाया कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मुझे लगा कि एक मैं परिवार का सदस्य लेके आया हूँ। प्रदीप जी, आपकी ज़िंदगी का बदलाव तो हम देख सकते हैं, पर क्या टाटा एस के आने के बाद में आपके परिवार की भी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? बहुत साहब, क्योंकि पहले पैसा उतना होता नहीं था, परिवार में उतना होता नहीं था। अब क्या, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, पहले स्कूल में जा नहीं पाते थे या फिर छोटे स्कूल में भेजते थे, अब बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश हैं। अब प्रदीप जी, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, इस हंसी का कोई खास कारण? इसका भी कारण साहब टाटा एस ही है, क्योंकि जब से टाटा एस हमारी ज़िंदगी में आई है, हर तरीके से, हर पहलू से खुशी मिलती जा रही है और काम आगे बढ़ता जा रहा है, तो हंसी तो बनी आ पाएगी। अच्छा प्रदीप जी, आपका टाटा पर इतना भरोसा है, उसके पीछे क्या कारण है? साहब, भरोसा तो पहले तो नाम सुना, और नाम सुन के जब मैंने गाड़ी पहले लिया, इतना भरोसा हो गया कि आज मैं 4 गाड़ी अपनी है, कोई कमी कहीं से नज़र आई नहीं, जो सुना उससे ज़्यादा मुझे मिला, हर चीज़ फैसिलिटी मिली। यही नहीं, हमारी यार दोस्त पूछते हैं कभी कभी, मैं हर महीने कोई ना कोई गाड़ी हमारी यार दोस्ती में समझ लीजिए कि निकल जाती है। प्रदीप जी, आपकी कहानी सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो प्लीज़। सर, टाटा ने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी, सारे सपने साकार कर दिए, मेहनत तो करना पड़ा लेकिन सारे सपने सच हुए। अगर आपको भी अपने सपने सच करने हैं तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन सारे सपने साकार होंगे। प्रदीप जी, हम दुआ करते हैं कि टाटा के ऊपर आपका ये भरोसा हमेशा बना रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने कारोबार में बहुत तरक्की करें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी लखनऊ के प्रदीप पाठक जी की। आई एम श्योर आपको सुनकर बहुत अच्छी लगी होगी। इन्होंने तो टाटा एस खरीदकर अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? क्योंकि टाटा एस तैयार है।